ड्रीम क्लासेस के सभी वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश पेपर से परिचित कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट किए चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह मेरे पास एक इंग्लिश का पेपर है जो कि 2017 का है और फ्रेंड्स यह हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा समय है वह 3 घंटे 15 मिनट मेंशन किया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट का ये आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर है और फ्रेंड्स यहाँ पर आप पूरा अंक देख सकते हैं तो टोटल आपका 70 नंबर का है। इसके पश्चात फ्रेंड्स और नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखता है, तो यह निर्देश में क्या है तो इसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को 15 मिनट दी जाती है इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, यानी विद्यार्थियों को 15 मिनट शुरुआती के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स नोट में भी कुछ दिया गया है तो देखते हैं, 1, 2, 3, 4 करके नोट दिया है तो देखते हैं पहला जो आपको माइंड रखने वाली बात है वह क्या है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस, यानी यह क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा है, ए और बी, यानी ए एंड बी कर 2 सेक्शन में बटा है। तो फ्रेंड्स जो आपका सेक्शन ए है उसके अंतर्गत आपका इंग्लिश प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटली आपका बुक का क्वेश्चंस होता है सेक्शन ए के अंतर्गत। और फ्रेंड्स जो सेक्शन बी है उसके अंतर्गत आपको ग्रामर के पोर्शन मिलेंगे, यानी ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा निर्देश क्या है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 2 सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी दोनों सेक्शन से आपके सारे प्रश्न अनिवार्य, यानी कंपलसरी आपको सारे प्रश्न करने हैं। और तीसरा जो देखते हैं फ्रेंड्स नोट क्या है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन के समक्ष यानी प्रत्येक क्वेश्चन के ठीक सामने उनके अंक भी मेंशन है, यानी उल्लेखित है। इसके पश्चात फ्रेंड्स जो चौथा देखते हैं नोट क्या है, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। कह रहा है फ्रेंड्स आप प्रश्नों को सावधानीपूर्वक पढ़ें उनका आंसर लिखने से पहले। तो फ्रेंड्स यह तो हो गया क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरह का हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है और क्या नोट है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन ए मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स सेक्शन ए जो मेंशन किया गया है, जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको इंग्लिश प्रोज, सुप्लीमेंट्री और पोएट्री के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। कह रहा है फ्रेंड्स जो आपका यह नीचे पैसेज दिया है, देख सकते हैं आप सुकरात टोल्ड ऐसे है, इस तरह से आपको यह पैसेज मिला है जो कि आपके इंग्लिश प्रोज का है। तो फ्रेंड्स इस पैसेज को पढ़ने के पश्चात आपसे नीचे 1, 2 यानी 2 प्रश्न पूछा गया है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी पैसेज के अनुसार आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, इंग्लिश प्रोज से आपका कोई पैसेज आता है और उसी को पढ़कर आपको आंसर देना होता है। और फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। इसके पश्चात फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कह रहा है फ्रेंड्स आपका जो यह क्वेश्चन दिया है ए बी कर इनमें से केवल एक प्रश्न का आपको आंसर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो तीसरा है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यह फ्रेंड्स कह रहा है कि जो आपका ए बी सी कर 3 क्वेश्चन दिया है उनमें से किसी 2 का आंसर आप केवल 25 शब्दों में, लगभग 25 शब्दों में दीजिए। इसके पश्चात फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग इन लिस्ट बी। तो कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत एक लिस्ट ए और एक लिस्ट बी, 2 इस तरह से आपको लिस्ट मिलने वाले हैं। लिस्ट ए के अंतर्गत ए बी सी डी करके कुछ वर्ड्स लिखा गया है और लिस्ट बी के अंतर्गत भी कुछ वर्ड्स लिखा है। तो फ्रेंड्स जो आपका लिस्ट ए है जैसे कि अप्रिसिएट, तो इसका जो सिमिलर मीनिंग है आपको लिस्ट बी से पता करनी है और उसके ठीक सामने उसकी मैचिंग कर देनी, जैसे एडमायर मतलब प्रशंसा करना, अप्रिसिएट मतलब भी होता है प्रशंसा करना। तो फ्रेंड्स अप्रिसिएट के साथ ठीक सामने आप लिख सकते हैं एडमायर आंसर के रूप में और बीच में आप तीर भी शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप नहीं जानते कि किस तरह से हाई स्कूल के इंग्लिश पेपर को कॉपी पर लिखा जाता है, तो फिलहाल मैंने इसके लिए एक वीडियो तैयार किया है, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और आप आसानी से सीख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर इंग्लिश के आंसर को किस तरह से लिखा जाए। इसके पश्चात फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है फ्रेंड्स जो आपका ये नीचे ग्लोरियस फाउंटेन ऐसा कुछ कर आपका पोएट्री दिया, यानी कि आपका यह स्टेंजा दिया है यानी पोयम दिया है, इसे फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह पढ़ना है और उसके पश्चात जो नीचे प्रश्न है
ऐसे राइट द टाइटल ऑफ द पोएम। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ए और बी कर ए और बी कर दो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, और दोनों का आंसर आपको लिखना है। जो कि आप आंसर देंगे वह उसी आपका पोएट्री के आधार पर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपको एक पोएट्री मिलता है यानी एक पोएम मिलता है और उसी को पढ़कर आपको आंसर देना होता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यह कह रहा है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कह रहा है फ्रेंड्स जो आपका ए बी कर दो आपका पोएम दिया है उसी में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। या फ्रेंड्स आपके पास एक ऑप्शन है, आप सेंट्रल आइडिया न लिख कर देखिए, आप राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेस्ट बुक। तो फ्रेंड्स आप अगर सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स आपके पास एक ऑप्शन है, आप 4 लाइन की कविता लिख सकते हैं जो कि आपके इंग्लिश की पोएट्री के बुक में है। तो फ्रेंड्स आप इंग्लिश पोएट्री से अपने नोटबुक अपने टेस्ट बुक से कोई कविता लिख सकते हैं 4 लाइन का। और यहाँ पर मेंशन है डोंट कॉपी आउट द लाइंस गिवेन इन दिस क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स इसका मतलब है आप उस पोएम को नहीं लिख सकते जो कि इस क्वेश्चन पेपर में है। जैसे कि इसमें आया था ग्लोरियस फाउंटेन, तो फ्रेंड्स आप ग्लोरियस फाउंटेन वाला आप नहीं लिख सकते पोएम। इसके पश्चात फ्रेंड्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। इसका कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स जो आपको ए बी और सी करके क्वेश्चन पूछा है जो कि आपके सप्लीमेंट्री से है, इसमें से किसी दो का आंसर आपको 25 शब्दों में देना है। तो फ्रेंड्स आप ए बी सी में से कोई भी दो का आंसर लिख सकते हैं, वह भी लगभग 25 शब्द में, जिसको कि आपको अच्छी तरह जिसकी आपको जानकारी हो वही क्वेश्चन आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। इसके पश्चात फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स यह कह रहा है जो नीचे आपके स्टेटमेंट आ रहे हैं यानी जो आपके सेंटेंस आ रहे हैं इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट है यानी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो फ्रेंड्स जैसे लिखा है एडिसन वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, जे जे ओन्स वाज अ निग्रो। एडिसन एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जे जे ओन्स एक निग्रो था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको पता लगाना है कि ट्रू है कि फॉल्स, और उसके पश्चात आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है। इसके पश्चात फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देखते हैं यह क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वह कह रहा है कि आप ए बी सी और डी इस तरह से करके आपसे कुछ आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। वेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, तो यह फ्रेंड्स आपका एक स्टेटमेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए आपके पास 4 अल्टरनेटिव है, इसमें से जो सूटेबल है सबसे उपयुक्त है उसी अल्टरनेटिव को आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट में लिखना है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, जब एडिसन ने अपना प्रयोग अपनी नौकरानी की लड़की पर किया, सी डाइड वह मर गई, सी बिकम अनकॉन्शियस वह असचेत हो गई यानी कि वह बेहोश हो गई, सी फेल इल वह बीमार पड़ गई। तो फ्रेंड्स यही करेक्ट है, तो आपको इसी को यहाँ पर इस स्टेटमेंट में आपको लिखना है और इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। इसी तरह फ्रेंड्स आप बी में भी कर सकते हैं और सी में भी कर सकते हैं और डी में भी कर सकते हैं। इसके पश्चात फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से ठीक पहले देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्शन बी मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स आपका ग्रामर पोर्शन यानी ग्रामर के क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे जो कि सेक्शन बी के अंतर्गत आएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो आपके सेंटेंस है 1, 2, 3, 4 जो आपके यह 4 सेंटेंस है इनके ठीक सामने आपको एक निर्देश उल्लेखित किया गया है और उन्हीं के अनुसार आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो हमारा पहला सेंटेंस है उसके ठीक सामने एक निर्देश है, ब्रेकेस्ट में फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो फ्रेंड्स यह कह रहा है कि एक सही वाक्य का निर्माण कीजिए शब्दों को उचित क्रम में कर यानी फ्रेंड्स शब्दों को आप अदला बदली कर यानी अब शब्दों को इधर उधर कर एक आपको करेक्ट सेंटेंस का निर्माण करना है। दूसरा जो है फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस के ठीक सामने लिखा है चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और फ्रेंड्स जो आपका तीसरा सेंटेंस है उसके ठीक सामने निर्देश लिखा है चेंज इन टू पैसिव वॉइस, तो फ्रेंड्स इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चौथा जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेंटेंस उसके ठीक सामने ब्रेकेस्ट में लिखा है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है फ्रेंड्स आप इस खाली स्थान में बी का करेक्ट रूप फिल कीजिए यानी आपको करेक्ट रूप भरना है।
अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में आप पहले ही देख सकते हैं ए बी सी और डी। इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 आपका चार पार्ट में बटा हुआ है ए बी सी और डी कर। तो देखते हैं पार्ट ए के अंतर्गत किस तरह का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वर्ड्स गिवेन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है फ्रेंड्स जो आपका यह सेंटेंस है उसी के ठीक नीचे आपका प्रीपोजिशन दिया है। इन प्रीपोजिशन में से आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर भरना है और इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स इसमें से कोई भी सूटेबल जो प्रीपोजिशन है आपको फिलअप करना है। इसके पश्चात जो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का बी है उसमें देखते हैं कि आपको क्या करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यह कह रहा है कि जो आपका नीचे सेंटेंस आ रहा है इसको आपको कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा करना है जिससे कि इसका कुछ अर्थ निकल जाए। इसके पश्चात फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 11 का सी है देखते हैं वह क्या करना है। कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1-2 कर दो वर्ड्स लिखा है और आपको इसको कंप्लीट करना यानी कि भरना है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का डी है उसमें आपको क्या करना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन इवन नेसेसरी। कह रहा है फ्रेंड्स जो आपका नीचे यह सेंटेंस आया हुआ है इसे फ्रेंड्स आपको जहाँ पर आवश्यकता हो कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा अक्षर और जहाँ पर कामा या किसी प्रकार के पंक्चुएशन चिन्ह की आवश्यकता हो उसे लिखकर आपको इसे कंप्लीट करना है यानी कि आपको आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स आपको करना क्या है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यानी कह रहा है फ्रेंड्स जो आपका नीचे या आपका पैसेज हिंदी के रूप में आया है इसको फ्रेंड्स आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अब फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है तो वह देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। तो फ्रेंड्स यह कह रहा है कि अपने मित्र को अपने भाई के विवाह समारोह में उपस्थित होने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखिए, यानी कि आपको लेटर लिखना है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 के अंतर्गत। और फ्रेंड्स यहाँ पर निर्देश दिया है डोंट राइट योर नेम एड्रेस एंड रोल नंबर की। यह फ्रेंड्स आपको निर्देश दिया है कि अपना नाम और अपना पता और अपना रोल नंबर न लिखें। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लेटर लिखते समय आपको नाम और अपना पता नहीं लिखना है। फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें आपको आर कर एक और विकल्प मिलता है, चाहे तो आप यह कर सकते हैं या फिर आर से ऊपर वाला आप कर सकते हैं लेटर लिख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपको एक और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटर लिख सकते हैं, चाहे आप पहला वाला कीजिए आर से पहले वाला या फिर आप आर के बाद वाला कर सकते हैं, कोई एक आपको करना है। तो आंसर के रूप में आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें भी फ्रेंड्स आपको नोट दिया गया है कि नाम और एड्रेस और रोल नंबर आपको नहीं लिखना है लेटर में। अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यह क्या है इसे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। राइट अ कंपोजिशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स। पॉइंट्स आर गिवेन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है आपको एक कंपोजिशन यानी एक आपको ऐसे जिसे कहते हैं यानी कि एक आपको रचना करनी यानी एक ऐसे का निर्माण करना है वह लगभग आपको 60 शब्दों में कंप्लीट करना है। लगभग 60 शब्दों में आप लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट भी नीचे मेंशन किया गया है जिसकी सहायता से आप अच्छी कंपोजिशन की रचना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि ए बी सी, तो फ्रेंड्स ए बी सी कर यहाँ पर तीन ठो आपके पास कंपोजिशन करने का ऑप्शन है। उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको कंपोजिशन करना है और उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पॉइंट भी यानी कि आपको टॉपिक भी मिल जाता है, इनके सहायता से आपको इस कंपोजिशन को पूर्ण करना है। तो फ्रेंड्स आप पॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं और यहाँ पर आपके टॉपिक्स हैं, आप इनका सहारा ले सकते हैं। सहारा आपको लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप आसानी से इस कंपोजिशन की रचना कर सके। इसके पश्चात फ्रेंड्स इसी तरह बी कर भी है। योर बेस्ट फ्रेंड पर आपको कंपोजिशन करनी है और ये इतना आप सहारा ले सकते हैं टॉपिक का। और इसके बाद फ्रेंड्स सी कर है। योर क्लास टीचर के बारे में आपको कंपोजिशन करना है और इतने टॉपिक्स का आप सहारा ले सकते हैं जिससे कि आपकी कंपोजिशन बहुत अच्छी तरह हो सके। तो फ्रेंड्स टोटली कहा जाए तो इस क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत आपको ऐसे लिखना होता है जिसमें से किसी एक कंपोजिशन की आपकी रचना करनी होती है और आपके सहारे के लिए बहुत सारे टॉपिक नीचे मेंशन रहते हैं।
अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो देखते हैं यह क्या कहता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयर ऑन। तो फ्रेंड्स यह कह रहा है कि जो आपका नीचे पैसेज दिया है विवेकानंद, ऐसा कर फ्रेंड्स आपका विवेकानंद स्पोक ऑफ मेनी थिंग्स, ऐसे कुछ कर आपका पैसेज दिया है। और फ्रेंड्स इस पैसेज को आपको सावधानीपूर्वक पढ़नी है और उसके पश्चात 1-2 कर ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जो कि 3-3 नंबर के हैं। तो फ्रेंड्स उस पैसेज को यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है उसमें जो आपको पैसेज दिया गया है उसे अच्छी तरह आपको पढ़ना है। और पढ़ने के पश्चात फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 1-2 कर दो क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है जो कि आपका इसी पैसेज के आधार पर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के लिए इंग्लिश पेपर से आपको परिचित कराया। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।